से हो आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बच्चों दो चर वाला रैखिक समीकरण। इस एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसका पहला क्वेश्चन गिवन है बच्चों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। इसमें बच्चों एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन है, बोला कि तीन ऑप्शन गिवन है, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके बारे में बताना और रीजन भी क्या करना है देना है। क्वेश्चन है वाई इक्वल में 3x + 5, बताना है बच्चों इसमें तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एक अद्वितीय हल होगा, केवल दो हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ध्यान रखना बच्चों, जब दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर दिया रहेगा, पूछेगा कितना हल होगा, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्योंकि बच्चों एक लाइन का इक्वेशन है, क्या एक रैखिक समीकरण है, मतलब लाइन है और इस लाइन पर क्या अनेक पॉइंट पॉसिबल, अनेक क्या क्या पॉइंट पॉसिबल, और लाइन क्या होगा आगे पीछे मूव कर सकता है, इसीलिए इसका हमेशा जो आंसर होगा क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर रीजन पूछेगा तो इसका बताएंगे कि एक्स के अलग अलग मान पे वाई क्या होगा, अलग अलग आएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर हो गया बच्चों थर्ड हो गया। रीजन बताएंगे एक्स के अलग अलग मान पे वाई का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण का चार हल लिखिए। अंडरलाइन करें बच्चों, कितना हल निकालना, चार हल निकालना। जितने सारे समीकरण हैं उस समीकरण का बच्चों कितना हल निकालना, चार हल निकालना। पहला जो समीकरण गिवन है 2x + y = 7 गिवन है, तो पहला समीकरण को लिख देते हैं 2x + y = 7। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, हर साल पेपर में क्या होता है, रिपीट होता है, इसीलिए इसका स्टेप को ध्यान से क्या करना है, समझना है। चार हल बोला हुआ बच्चों, एक्स का रिजल्ट चार कोई भी रख सकते हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग का चार रिजल्ट को रखेंगे। एक्स का रिजल्ट स्टार्टिंग से चार रखेंगे, 0, 1, 2, 3। अगर 4 बोलेगा तो 4 रखेंगे, अगर 5 बोलेगा तो 5 रखेंगे। जनरली पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों चार हल निकालने के लिए, तो एक्स का जनरली कोई भी रिजल्ट रख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या रखेंगे, स्टार्टिंग का रिजल्ट रखेंगे। तो एक्स का स्टार्टिंग रिजल्ट क्या है, 0, तो पहले क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इस इक्वेशन में क्या रखेंगे, एक्स का रिजल्ट क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जहाँ एक्स वहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, 0 रखेंगे। तो 2 × 0, ये हमेशा एक्स का रिजल्ट ही हमेशा क्या करते हैं बच्चों, मानते हैं, जितना बोलेगा उतना मानेंगे। तो 2 × 0 + y और इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + y इक्वल में क्या हो जाएगा, 7। तो y का जो रिजल्ट यहाँ से आ गया 7 आ गया। तो एक्स का रिजल्ट जब 0 रखे तो y कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। उसका 0 के बाद क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो अब जहाँ x वहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, 1 रखेंगे। पहले 0 रखे फिर क्या रखेंगे, 1 रखें। तो x का रिजल्ट क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और जो मेन इक्वेशन है वहाँ x के जगह पर क्या पुट करेंगे बच्चों, 1 पुट करेंगे। तो हो जाएगा 2 × 1 + y इक्वल में क्या जाए बच्चों, 7। हमेशा बारी बारी से क्या रखेंगे, मेन इक्वेशन में रिजल्ट को क्या करना रखना है। तो 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा प्लस y और इक्वल में क्या, 7। यहाँ से y निकालेंगे प्लस है तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ जगह 7 - 2 इक्वल में हो जाएगा 7। में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। अब 0 रखें फिर 1 रखें, उसके बाद क्या रखेंगे बच्चों, 2 रखेंगे। तो x का रिजल्ट क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। इक्वेशन क्या है, 2x + y = 7 गिवन है। इसमें x का रिजल्ट कितना रखना बच्चों, 2 रखना है। तो 2 × 2 + y इक्वल में हो जाएगा 7। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + y इक्वल में हो जाएगा 7। तो y इक्वल हो जाएगा 7 - 4। तो y का जो रिजल्ट आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। अब कितना रिजल्ट रखते हैं, 0, 1, 2। अब लास्ट रिजल्ट का रखना बच्चों, x का रिजल्ट का रखना 3 रखना है। लास्ट का रखना बच्चों, x का रिजल्ट का रखना 3 रखना। जहाँ x वहाँ पे क्या रखेंगे, 3। तो हो जाएगा 2 × 3 + y इक्वल हो जाएगा 7। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 6 + y इक्वल में 7। तो y का जो रिजल्ट आएगा 7 - 6। तो y का जो रिजल्ट आ गया, 1 आ गया। अब लास्ट में क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, बॉक्स। बताते हैं बॉक्स किस तरीके से बनाएंगे। लास्ट में हमेशा बच्चे जब भी रिजल्ट बोलेगा चार रिजल्ट रखने के लिए, तो बॉक्स को बनाना जरूरी। पहले बॉक्स में x, दूसरे बॉक्स में y हो जाएगा, और यहाँ पे चार बॉक्स होना चाहिए। कितना बॉक्स होना चाहिए बच्चों, चार बॉक्स होना चाहिए। पहले में क्या रखे थे, 0, फिर 1 रखे थे x का रिजल्ट। x का रिजल्ट बच्चों कितना रखे थे, 0, 1, 2, और लास्ट में क्या रखे थे, 3 रखे थे। तो जब x का रिजल्ट जो बच्चों 3 रखे थे, x का रिजल्ट जब 3 रखे तो y कितना आया था, 1 आया था। तो उसके नीचे यहाँ x का रिजल्ट रखना है, जस्ट इसके नीचे y के रिजल्ट रखना है। x का रिजल्ट जब 3 रखे थे तो y कितना आया था, 1 आया था। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे बच्चों। जब x का रिजल्ट 0 रखे थे उस समय y कितना आया था, 7 आया था। इसको लिखेंगे, जब x का रिजल्ट 0 था तो उस समय y कितना था बच्चों, 7 था। अब x का रिजल्ट जब 1 था
एक्स का रिजल्ट जब वन रखे थे तो उस समय वाई कितना आया था बच्चों, फाइव आया था। और जब एक्स का रिजल्ट दो रखे थे उस समय वाई का जो रिजल्ट आया था बच्चों, थ्री आया था। तो दोनों को लिखते हैं, एक्स का रिजल्ट वन पे वाई कितना, पाँच है, दो पे कितना बच्चों, थ्री है। जब एक्स का रिजल्ट बच्चों वन था तो उस समय वाई का रिजल्ट कितना, पाँच था। जब एक्स का रिजल्ट दो था तो उस समय वाई का रिजल्ट थ्री था। तो कितने हल हो गए, चार हल, एक दो तीन चार, यही क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अगर बच्चों समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर टू का टू खुद से वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर टू के टू में दिया बच्चों पाई एक्स प्लस वाई इक्वल में नाइन। ध्यान रखना बच्चों पाई के फॉर्म में क्या करना है, इसको आंसर को लाना, पाई के रिजल्ट को नहीं रखना है बच्चों। स्टेप जो बताए थे स्टेप को ध्यान रखना है। एक्स का रिजल्ट क्या रखना है, चार स्टार्टिंग का रिजल्ट रखना, पहले जीरो रखेंगे बच्चों, फिर वन रखेंगे, फिर टू रखेंगे, फिर थ्री रखेंगे। अगर पाँच बोलेगा तो पाँच बार रखेंगे, लेकिन चार बोला हुआ बच्चों इसीलिए चार, वन टू थ्री फोर। तो पहला क्या रखेंगे बच्चों, एक्स का रिजल्ट जीरो रखेंगे। तो जहाँ एक्स वहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, जीरो को रखेंगे। तो पाई इसके बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो पाई मल्टीप्लाई जीरो प्लस वाई इक्वल में क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। पाई को किसी भी, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रिजल्ट क्या आता है बच्चों, जीरो आता है, y इक्वल में नाइन हो। तो यहाँ से y का जो रिजल्ट आएगा बच्चों, नाइन आ गया। ध्यान रखना कि जब x का रिजल्ट जब जीरो रखे थे तो उस केस में y का जो रिजल्ट आता है बच्चों, नाइन आया था। अब जीरो के बाद क्या रखेंगे बच्चों, x का रिजल्ट वन रखेंगे। तो यहाँ x का रिजल्ट क्या रखेंगे, वन रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, वन रखेंगे। तो पाई मल्टीप्लाई वन प्लस वाई और इक्वल में नाइन है, तो इक्वल में क्या करें, नाइन को लिखेंगे। पाई को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जो पाई आएगा प्लस का वाई इक्वल में नाइन, और यहाँ पे पाई प्लस में तो उधर जाकर जब माइनस हो, तो वाई इक्वल में जाएगा नाइन माइनस पाई। पाई के रिजल्ट बच्चों नहीं रखना, इसी फॉर्म में क्या कर देना, छोड़ देना है। अब एक्स का रिजल्ट क्या रखेंगे बच्चों, दो रखेंगे। एक्स का रिजल्ट क्या रखेंगे, दो रखेंगे। तो जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखेंगे बच्चों, दो रखेंगे। तो पाई इंटू क्या हो जाएगा, टू प्लस वाई। ध्यान रखना बच्चों हमेशा मेन इक्वेशन में रखेंगे जिस क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पाई को जब दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू पाई प्लस वाई इक्वल में हो जाएगा बच्चों नाइन, और टू पाई प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा नाइन माइनस टू पाई। अब क्या रखेंगे बच्चों, एक्स का रिजल्ट क्या रखना है, थ्री रखना। तो यहाँ पे रखेंगे एक्स इक्वल में क्या रखेंगे बच्चों, थ्री। तो हो जाएगा पाई इंटू थ्री प्लस वाई इक्वल में नाइन गिवन है, तो नाइन को रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों थ्री पाई, पाई को अगर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा थ्री पाई प्लस वाई इक्वल में नाइन, प्लस है तो क्या उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा नाइन माइनस थ्री पाई। अब इसको क्या बनाएंगे बच्चों, बॉक्स में क्या कर देना, इस रिजल्ट को रख देना है। एक सिंपल क्या बनाएंगे बच्चों, बॉक्स बनाएंगे और चारों रिजल्ट को इस बॉक्स में क्या कर देंगे, लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एक्स, यहाँ पे वाई। एक्स का जो चार रिजल्ट था, पहला रिजल्ट जीरो था, दूसरा वन था, फिर तीसरा टू था, चौथा क्या था बच्चों, थ्री था। जब एक्स का रिजल्ट जीरो था उस केस में जो वाई का रिजल्ट आया था, नाइन आया था। जब एक्स का रिजल्ट बच्चों वाई रखे थे तो उस केस में जो एक्स का रिजल्ट जब वन रखे थे तो वाई का जो रिजल्ट आया था, नाइन माइनस पाई आया था। जब एक्स का रिजल्ट दो रखे थे तो उस केस में वाई का जो रिजल्ट आया था, नाइन माइनस टू पाई। जब एक्स का रिजल्ट बच्चों थ्री रखे थे उस केस में जो वाई का जो रिजल्ट आया, नाइन माइनस थ्री पाई। यही क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया। अगर बच्चों समझ में आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन को खुद से क्या करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। सेकंड का जो थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है बच्चों, एक्स इक्वल में फोर वाई। स्टेप में क्या बताया था बच्चों, चार रिजल्ट जब भी बोलेगा तो एक्स का रिजल्ट स्टार्टिंग का चार रिजल्ट रखेंगे। पहला रखेंगे बच्चों जीरो, दूसरे में वन, फिर टू और थ्री। अब स्टार्टिंग में पहले एक्स का रिजल्ट क्या रखेंगे बच्चों, जीरो रखेंगे। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, जीरो रखेंगे। तो यहाँ पे एक्स है तो वहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, जीरो इक्वल में जाएगा फोर और वाई। यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों, वाई निकालेंगे। तो यहाँ से वाई का रिजल्ट क्या बच्चों, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों जो रिजल्ट निकालना उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में रहता हो तो डिवाइड में आता। जीरो को अगर फोर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। अब जीरो के बाद क्या रखेंगे बच्चों, वन को रखेंगे। तो एक्स का रिजल्ट क्या रखेंगे, वो वन रखेंगे। तो जहां एक्स है वहां पे क्या रखेंगे बच्चों, वन को रखेंगे। तो यहां पे हो जाएगा वन इक्वल में हो जाएगा फोर और वाई। यहां वाई निकालना तो वाई के साथ मल्टीप्लाई में फोर तो क्या डिवाइड में हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों जब मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या होता है, डिवाइड में रहता है। यहाँ वन को लिख देंगे। उसके बाद एक्स का रिजल्ट क्या रखेंगे बच्चों, टू को रखेंगे। एक्स का रिजल्ट क्या रखेंगे, टू। तो जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, टू रखेंगे। जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे, अब
टू को रखेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों टू इक्वल में फोर वाई। अगर डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा जो 0.25 और यहाँ पर y निकालेंगे तो हो जाएगा बच्चों 2/4 तो 2 और 4 कट जाएगा 2 से तो 1/2 आ जाएगा या तो 1/2 लिखेंगे। अगर कटिंग करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा जो 0.5 आएगा। अब x का रिजल्ट क्या रखेंगे बच्चों 3 रखेंगे, x का रिजल्ट क्या रखेंगे 3 तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3 जहाँ x से यहाँ पर क्या जाएगा 3 यहाँ से क्या करेंगे y को निकालेंगे तो जाएगा 3 इक्वल में 4y। यहाँ से y निकालेंगे y के साथ जो नंबर है वो क्या होगा डिवाइड में आएगा तो 3/4 जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.75। उसके बाद क्या बनाएंगे बच्चों बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स में चारों रिजल्ट को क्या कर देंगे लिख देंगे यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। यहाँ x हो जाएगा यहाँ पे y हो जाएगा। x का रिजल्ट क्या रखना 0, 1, 2 और यहाँ पर रख देंगे बच्चों 3। जब x का रिजल्ट जब 0 था तो y का रिजल्ट भी क्या था 0 था। जब x का रिजल्ट 1 था तो y का रिजल्ट दिखा देते बच्चों x का रिजल्ट जब 1 रखे थे तो y का जो रिजल्ट आता 1/4 जब इसको डिवाइड किए तो रिजल्ट आता 0.25 तो यहाँ पे रखेंगे बच्चों 0.25। जब x का रिजल्ट 2 रखे थे उस समय y का जो रिजल्ट आता 0.5 और जब x का रिजल्ट बच्चों 3 रखे थे उस समय y का जो रिजल्ट आता 0.75 तो यहाँ लिखेंगे 0.75। यही क्या होगा बच्चों इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन सा समीकरण x-2y=4 के हल है और कौन सा हल नहीं है। पहला में दिया बच्चों 0, 2 तो समीकरण जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। समीकरण है x-2y=4 है और पहला जो ऑप्शन जो गिवन है बच्चों 0 और 2 है तो ध्यान रखना पहला जो रिजल्ट होता है बच्चों x का रिजल्ट होता है जो दूसरा जो रिजल्ट होता है y का रिजल्ट होता है तो समीकरण का हल वही होगा जो दोनों तरफ क्या होगा बराबर होगा। LHS का जो सॉल्व करेंगे और RHS का जो रिजल्ट है अगर दोनों आपस में बराबर होगा वह क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो पहला जो रिजल्ट है बच्चों x का रिजल्ट क्या है 0 है। ध्यान रखना पहला जो रिजल्ट है x को बताता है और दूसरा जो बताता है बच्चों y को बताता है तो y इक्वल में क्या जगह 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों बारिश में क्या करेंगे रखेंगे x के जगह पर क्या रखेंगे 0 को रखेंगे और y के जगह पर 2 को रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x के जगह पर क्या पुट करेंगे बच्चों 0 तो यहाँ हो जाएगा 0-2 × y कितना है 2 और इक्वल में क्या बच्चों 4। ध्यान रखना समीकरण वही इसका सॉल्यूशन जो होगा जो दोनों तरफ क्या होगा बराबर होगा तो 0-, यहाँ पर 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ -4 है, यहाँ पे +4 है, दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा हल नहीं होगा। हल बराबर बच्चों फिर से रिपीट करते हैं दोनों तरफ अगर बराबर होगा वही क्या होगा इसका हल होगा। तो लिखेंगे 0, 2 जो दिया हुआ बच्चों 0, 2 समीकरण का हल नहीं है क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं है। समीकरण का हल नहीं है। उसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट दिया बच्चों 2, 0 दिया जो दूसरा में जो रखा है 2, 0। ध्यान रखना पहला जो पॉइंट है वो x को बता रहा था, x इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा और y इक्वल में क्या हो जाएगा y इक्वल में 0 गिवन है। दूसरा जो पॉइंट है y इक्वल में 0 है और जो समीकरण गिवन है x-2y=4 क्या है गिवन है। इस वाले में बच्चों x के जगह पे 2 पुट करेंगे, y के जगह पे क्या पुट करेंगे 0 को पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 क्योंकि x का रिजल्ट कितना है 2 है, -2 × y कितना है 0 इक्वल में क्या बच्चों 4 है तो यहाँ 2-2 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 इक्वल में 4 आएगा। तो 2 है जो बच्चों 4 के बराबर नहीं होगा तो ये भी क्या बोलेंगे 2, 0 समीकरण का हल नहीं है क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं है। समीकरण का हल नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 3 को चेक करेंगे। ऑप्शन 3 में दिया बच्चों 4, 0 तो पहला हमेशा ध्यान रखना x का रिजल्ट होता है, दूसरा क्या होता है y का रिजल्ट होता है। x का रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 4 और y का रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन जो समीकरण जो गिवेन है x-2y=4 गिवेन है, x के जगह पे 4 रखना है, -2y के जगह पे क्या रखना बच्चों 0 इक्वल में जाएगा 4 तो 4-0 इक्वल में 4 हो जाएगा तो 4 इक्वल में क्या जाएगा 4 हो गया। अब दोनों तरफ अगर बराबर हो जाएगा वही क्या होगा समीकरण का हल होगा। तो लिखेंगे 4, 0 समीकरण का हल होगा, समीकरण का हल होगा। ध्यान रखें बच्चों जब भी इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है
तो दोनों तरफ जिसमें बराबर होगा वही क्या होगा, पॉइंट टू समीकरण का हल होगा। उसी तरीके से ऑप्शन फोर और फिफ्थ को चेक करेंगे तो बच्चों दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, और फिफ्थ भी क्या होगा इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ को क्या करें, डिस्कस करें, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में उसे जरूर लिखे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बच्चों गिवन है के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि एक्स का मान जो दे रखा है बच्चों टू दे रखा है, वाई का मान वन दे रखा है, और समीकरण गिवन है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल में के है का एक हल है। जो बच्चों पॉइंट गिवन है एक्स का रिजल्ट दो है, वाई के रिजल्ट क्या है वन है, इस समीकरण का क्या है हल है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों, एक्स का रिजल्ट दो रखेंगे, वाई के रिजल्ट वन रखेंगे, क्या करेंगे यहाँ से के का रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। तो जो समीकरण गिवन है बच्चों टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल में के गिवन है, समीकरण जो गिवन है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल में के गिवन है। इस समीकरण का जो हल है बच्चों एक्स का रिजल्ट क्या है दो है, और वाई का जो रिजल्ट क्या है वन है। तो सिंपली क्या कर देंगे बच्चों, एक्स के जगह पर दो पुट करेंगे, वाई के जगह पर वन पुट करेंगे, तो जगह टू इंटू एक्स के जगह पर दो पुट करेंगे तो दो हो जाएगा, और थ्री इंटू वाई के जगह क्या पुट करना वन इक्वल हो जाएगा बच्चों के हो जाएगा। जब दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा फोर आएगा, थ्री को वन से करेंगे तो थ्री आएगा, इक्वल हो जाएगा के, चार में तीन को ऐड करेंगे तो सेवन आ जाता, के का जो रिजल्ट आ गया बच्चों सेवन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों सेवन आ गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। थैंक यू।